गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस सेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ये बताया था कि जो हमारा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन है वो सिलेंडर के लिए अलग होता है और हमारा स्फीयर के लिए अलग होता है, क्योंकि इन दोनों में जो एरिया है वो डिफरेंट होता है, इस वजह से इनका क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन डिफरेंट होता है। सो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन अगर हम सिलेंडर के लिए देखें, सिलेंडर के लिए हम देखें तो हमारे पास क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन था R इज इक्वल टू के बाई एच, एंड फॉर स्फेयर इट वॉज 2K/h। इसको याद रखना भी आसान है, थर्मल कंडक्टिविटी हमें इंसुलेटिंग मटेरियल की लेनी होती है और एच जो है हमें आउटसाइड जहाँ पर हमारा जो सरफेस है वो एक्सपोज्ड है उधर का हमारा हमें कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट लेना होता है। सो अगर आपकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी तो आपका क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन भी कम हो जाएगा, और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एच है, एच जब कम होगा तो हमारा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन भी हम चाहते हैं कि एच ज़्यादा हो, अगर एच ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन कम हो जाएगा। तो अगर एच ज़्यादा है तो आपका क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन कम हो रहा है। तो इन सब पॉइंट्स में हमने देखा था, फिर हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी किया था एक, और आई होप कि वो क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। सो आज हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हीट ट्रांसफर फ्रॉम एक्सटेंडेड सर्फेसिस, और एक्सटेंडेड सर्फेसिस को फिन भी बोला जाता है, अभी बात करते हैं इसके बारे में। सपोज हम हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, कई एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहां पर हमें हीट ट्रांसफर के रेट को कम करना होता है, और कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर हमें हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाना होता है। तो ये किस तरीके हीट ट्रांसफर को कम करने के लिए हमने पढ़ लिया है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। अब हमारे पास कई जगह हीट ट्रांसफर इंसुलेशन लगा के हीट ट्रांसफर किसको रोकता है, कंडक्शन से हीट ट्रांसफर को रोकता है, पर वो सरफेस एरिया को बढ़ाता चला जाता है, तो उस वजह से कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ता है, और वहां पर जब हम इंसुलेशन लगाते हैं तो इंसुलेशन की भी कॉस्ट ऐड होती जाती है। सो हमारे पास कई एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जहां पर सरफेस का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और वहां पर इंसुलेशन लगाने का मतलब नहीं है, हमें कई जगह पर हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाना होता है। हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। सपोज अकॉर्डिंग टू द न्यू सपोज नहीं करना है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग एच इज इक्वल टू एच ए एस डेल्टा टी, जिसमें हम टी सरफेस माइनस टी इनफाइनाइट लेते हैं। हमारे पास मान लो कोई बॉडी है, कोई बॉडी आर्बिट्ररी, मैं इसकी शेप ले रहा हूँ, मान लो इसका जो सरफेस टेम्परेचर है दैट इज टी एस एंड दिस एरिया इज ए एस एंड द एम्बियंट टेम्परेचर इज टी इनफाइनाइट। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इट इज ऑब्जर्व दैट द हीट ट्रांसफर रेट डिपेंड्स ऑन कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी एंड दीज टू पैरामीटर्स। सो नाउ जनरली द एच इज कॉन्स्टेंट, एच हाँ नॉट जनरली मैं कॉन्स्टेंट एच जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एच देर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, वन इज नेचुरल कन्वेक्शन एंड अनदर इज फोर्स्ड कन्वेक्शन। सो कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप एच को इंक्रीज कर सकते हो फोर्सफुली, मतलब आपने फैन चला दिया, ब्लोअर चला दिया, इनसे क्या होगा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया था द एच इज डिपेंडेंट ऑन द फ्लो ऑफ द फ्लूड, जितना ज्यादा बल्क फ्लूड मोशन होगा उतना अच्छा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा। सो नाउ कई एप्लीकेशन ऐसी होती है जहां पर सपोज आपको हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज करना है, आपके पास जो आपका इंजन है उसमें आपको हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज करना है। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वहां पर हम फैन नहीं लगा सकते, तो वहां पर जो भी हीटिंग या जो भी हमारा हीट ट्रांसफर रेट हो रहा है, जो कूलिंग हो रही है,
वो नेचुरल हो रही है। दैट इज मतलब आप वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर डिपेंड है टोटली, आप वहां पर फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते हो। आपको और अगर हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाना है जिस रेट पे पहले हो रहा है उससे हायर रेट पे करना है, तो या तो आपको फैन लगाना पड़ेगा या फिर दूसरे पैरामीटर्स को हम देखते हैं। अब देखो मतलब एच एक कंस्ट्रेंट हो गया हमारे पास, हम फैन नहीं लगा सकते। बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है, मैंने इंजन का जस्ट एक एग्जांपल दिया है, बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है। हमारे कंप्यूटर्स में भी नीचे जब हीटिंग होती है तो हम वहां पर अब फैन लगाते हैं, लेकिन अगर आप ढंग से ओपन करके देखोगे तो वहां पर भी जो सरफेसेस होती है उनमें उनको एक्सटेंड किया जाता है। उसके बारे में बात करेंगे एक्सटेंड क्यों किया जाता है। दूसरा पैरामीटर देखो, ये सरफेस टेम्परेचर और एम्बियंट का टेम्परेचर, ये तो कंस्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट ही रहने वाले हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एच कंस्टेंट हो गया हमारे पास, बाकी चीज बची सरफेस एरिया। नाउ अब आप अगर सरफेस एरिया को बढ़ाते हो, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हो तो आपका हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो सकता है। इफ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया द हीट ट्रांसफर रेट विल इंक्रीज। तो आपको सरफेस एरिया किस तरीके से बढ़ा सकते हो उसको हमने देखना है। सब लोगों ने इंजन देखा होगा, मैं इंजन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने जनरली सबने इंजन देखे हुए हैं। अगर आपने कार का रेडिएटर देखा होगा, रेडिएटर भी देखा होगा, तो वहां पर भी रेडिएटर, रेडिएटर इज लाइक अ हीट एक्सचेंजर, रेडिएटर इज अ हीट एक्सचेंजर। उसमें क्या होता है, आप देखोगे कुछ इस तरीके के पाइप्स बने होते हैं और उनमें से वाटर फ्लो करता है। ठीक है, थोड़ा गैप ज्यादा होगा इसमें, और आपने वहां पर देखा होगा कि इसके ऊपर कुछ एक एल्यूमिनियम की शीट से कुछ बना हुआ पार्ट इसके ऊपर लगे रहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत पतला पतला सी अरेंजमेंट होता है उसको उसका, और थोड़ा सा उनकी जो विड्थ बोलो आप इसको, विड्थ थोड़ी ज्यादा होती है या फिर लेंथ बोलो, लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू दिस थिकनेस, उसकी थिकनेस के कंपेरिजन में रिस्पेक्टिव एज कंपेयर टू दी थिकनेस, दी लेंथ ऑफ दिस लेंथ ऑफ दैट सरफेस इज वेरी क्या बोलेंगे सो हायर। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है उसकी थिकनेस से ज्यादा होता है। सो नाउ आप लोगों ने इस तरीके की भी सरफेस देखी है और आपने इंजन्स भी देखे होंगे, इंजन में भी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ पार्ट इस तरीके से एक्सट्रूडेड सा होता है, उसमें देखा होगा आपने इस तरीके से एक्सट्रूडेड रहते हैं उसमें पार्ट इंजन में। अगर आप देखोगे ध्यान से देखना, अगर देखा नहीं होगा तो अभी ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि उसमें कुछ सर्फेसेस इस तरीके से निकली होती हैं। तो इंजन का जो अपना एरिया है, इंजन का जो अपना एरिया है, वो पहले एरिया तो उसका कांस्टेंट था, बट आपको हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज करना था, या फिर चाहे आप रेडिएटर की बात करो, इसमें आपको हीट ट्रांसफर, इसको छोड़ दो, चलो इसमें आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। सो हम इसकी बात करते हैं, हीट एक्सचेंजर तो कैसा होता है, हीट एक्सचेंजर इज जस्ट ऐसा है, हीट एक्सचेंजर में कुछ पाइप होता है और इसमें होता क्या है, दूसरी एक तरफ से फ्लूड इनलेट होता है, दूसरे से बाहर निकलता है, और साथ ही साथ दूसरा फ्लूड जो इससे हीट लेगा वो इस हीट एक्सचेंजर के ऊपर से फ्लो करता है। हीट एक्सचेंजर इस तरीके से ही होता है, आपने अपने रेफ्रिजरेटर्स में पीछे कंडेंसर देखा होगा ब्लैक कलर का, हाँ कंडेंसर में भी क्या होता है, कंडेंसर इज जस्ट लाइक ये, इस तरीके से होता है, केवल वो कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर जिसमें केवल पाइप होते हैं। अब उसके साथ साथ आपने देखा होगा जो आपके कंडेंसर होते हैं उनमें इतनी लॉन्गिट्यूडनल मतलब वर्टिकल लाइंस भी रहती हैं ऐसी ब्लैक कलर की, आपने देखा होगा, ये इनका काम क्या है, ऐसा क्यों किया गया है। फ्लो तो केवल जो फ्लूड है उनमें से इसमें से होता है, जो पाइप्स होते हैं जिनकी जिनका रेडियस थोड़ा बड़ा होता है, इनके अंदर से हमारे फ्लूड फ्लो करता है, पर इनका क्या काम है, इनका क्या काम है। अब देखो हमें हीट ट्रांसफर रेट अगर बढ़ाना है तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हम हीट सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे। अब सरफेस एरिया किस तरीके से बढ़ता है, अब जो सरफेस है उसको या तो एक्सट्रूड कर दो, सरफेस को ही एक्सट्रूड कर दो, जैसे आप इंजन में देखोगे वो एक्सट्रूडेड होती है सरफेसेस, ये एक्सट्रूजन आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा, और या फिर जो आपका सब्जेक्ट है क्रियोस में भी आपने ये एक्सट्रूजन वगैरह पढ़ा होगा। एक्सट्रूजन में हम क्या करते हैं, पार्ट को थोड़ा एक्सट्रूड कर देते हैं, और इसमें हो क्या रहा है,
अब सरफेस एरिया को या तो आप एक्सट्रूजन से बढ़ा सकते हो, या फिर क्या कर सकते हैं कि इसी के ऊपर से जो भी हमारी, सपोज मान लो कि आपके पास एक पाइप है, इसके ऊपर से अगर आपको हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, एक हायर थर्मल कंडक्टिविटी का मटेरियल जो है इसके ऊपर, हायर थर्मल कंडक्टिविटी का मटेरियल इसके ऊपर कवर चढ़ा दोगे। ठीक है, जब आप इसका कवर, इसके ऊपर कवर चढ़ा दोगे हायर थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का, तो इसका, उसकी वजह से क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और हीट ट्रांसफर कंडक्शन से बाहर की तरफ को हायर रेट से आएगी, और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण हमारा हीट ट्रांसफर रेट और तेजी से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर, अंदर से भी हीट बाहर हाई रेट से जानी चाहिए। ठीक है, तो हम हर एक पैरामीटर को कंसीडर करके चलेंगे कि मटेरियल भी ऐसा यूज करना है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी हो। आपने लो थर्मल कंडक्टिविटी का यूज कर लिया तो क्या करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो सरफेस एरिया को आपको बढ़ाने, उसके लिए एक्सट्रूजन हो सकता है, आप सरफेस एक्सट्रूजन कर सकते हैं, या फिर हम इसके ऊपर कवर चढ़ा सकते हैं, कवरिंग, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, और वो भी मटेरियल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई हो, थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी हाई हो। तो आपने देखा होगा जो इंजन मटेरियल होता है, जो एक्सट्रूजन होता है, वो इंजन की खुद के मटेरियल से ही होता है, उसी मटेरियल का होता है, मतलब एक्सट्रूडेड पार्ट जो इंजन का होता है। साथ ही साथ अगर आप इसमें देखोगे जो आपके कंडेंसर है, उसमें भी ये जो वर्टिकल वाली, जो वर्टिकल वाला जो पार्ट है वो सेम मटेरियल का ही होता है। और लेकिन जब आप कार का रेडिएटर देखोगे, वहां पर आपने देखा होगा कि ये जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ये चीज़, ये बहुत, ये एल्यूमिनियम की बनी होती है, पतली पतली सी चीज़ें होती है, लेकिन वो क्लोजली स्पेस्ड होती है। ठीक है, अब ये जो एक्सट्रूडेड पार्ट है, या फिर जो जो चीज़ आपने सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए किया है, इनको हम बोलते हैं, एक्सट्रूडेड पार्ट को बोलते हैं हम फिन्स। ठीक है, फिन्स क्या कर रही हैं, जैसे ही आपका सरफेस एरिया बढ़ गया, फिन्स सरफेस एरिया को ही बढ़ाती है, हमारी जो सरफेस ऑलरेडी थी उसके एरिया को बढ़ाने के लिए हमने फिन्स का यूज़ किया। फिन्स का यूज़ जब आप करोगे तो सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा। हीट ट्रांसफर रेट बढ़ गया, आपको चाहिए ही वही था, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ गया, हमको चाहिए ये होता है, हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाना था। पर फिन्स लगाने की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सपोज हम केवल एक फिन की बात करेंगे, मान लो आपके पास ये सरफेस है, ये सरफेस है, इससे आपको हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाना है तो हम इसके ऊपर एक फिन लगा देंगे। ठीक है, इसके ऊपर हमने फिन लगा दिया। अब जब यहां से जो भी कूलिंग मीडियम है वो फ्लो करेगा, तो जब वो, अब फिन्स क्या है, आप एक फिन नहीं लगाते हो, हम क्या करते हैं, फिन बहुत सारी लगती है, एक फिन बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही पतली होती है, इनको पिन फिन्स भी बोला जाता है कई एग्जांपल्स में, मतलब एक तरीके की फिन जो होती है वो पिन फिन होती है। तो फिन्स बहुत सारी लगती है एक साथ, तो क्या होता है, अगर आप यहां पर देखोगे, इस तरफ देखोगे, तो जो गैस का जो भी फ्लूड है यहां पर, उसका जो मोशन है, फ्लूड का जो मोशन है इधर पर, वो आसान है क्योंकि यहां पर जो मटेरियल है वो काफी कम है। लेकिन अगर आप यहां पर आओगे, इधर की साइड आओगे, तो यहां पर जो फ्लूड का मोशन है वो उतना अच्छा नहीं है जितना यहां पर हो सकता है। तो इससे क्या होता है, एच जो है हमारा वेरी करता है यहां पर, सॉरी, वेरी करने का मतलब है कि यहां पर कम है और जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाओगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। अब जो आपका, अगर मान लो कि आपने दो फिन अगर बहुत बहुत ही पास पास लगा दी, तो यहां पर क्या है, फ्लूड का मोशन ही नहीं हो पाएगा। फ्लूड का जब मोशन ही नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर रेट तो हो ही नहीं पाएगा, कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर रेट हो ही नहीं पाएगा। एयर यहाँ की, यहाँ जितनी भी एयर यही थी वो यहीं की यहीं रह जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, तो हीट ट्रांसफर रेट हो ही नहीं, हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। तो जब हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है तो आपकी जो फिन्स है वो लगाने का फायदा क्या हुआ, आपने तो हीट ट्रांसफर को रोक दिया। तो इसीलिए हम जो है फिन्स का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से करते हैं ताकि जो आपका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हो वो बढ़ जाए। पर हम साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि हमारा जो सरफेस एरिया है वो बढ़े, तो हम इसको, इसीलिए हम ज़्यादातर जो फिन्स होती हैं उनका जो थिकनेस होता है काफ़ी कम यूज़ करते हैं, और उनको आप बहुत सारे लगा दोगे तो उनसे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, देख भी सकते हो, मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब हमें फिन्स के बारे में पढ़ना है, हम आगे फिन्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि फिन्स लगाने से हीट ट्रांसफर रेट कैसे बढ़ता है और कितना, कहाँ तक आप फिन्स लगाने से हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ा सकते हो।
सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कितने तरीके की फिन्स होती हैं और हीट ट्रांसफर रेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, इसके लिए एक डेरिवेशन है, हम वो डेरिवेशन करेंगे। और ये वाला जो पार्ट है मैं आपको बताता हूँ, फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है और इंटरव्यूज वगैरह में भी काफ़ी पूछा जाता है। सो इसका मैं जो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा वो ज़रूर देखना। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम इनके डेरिवेशन के साथ। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू एंड टेक केयर।